आई होप आप अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और आज का जो वीडियो होने वाला है, एक ऐसी डिवाइस के बारे में होने वाला है। ये है वो डिवाइस, या कह लीजिए ये सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम का जो लोग काफ़ी फेस कर रहे हैं एक स्पीकर सिस्टम को लेके, यानी कि लॉजिटेक Z906 स्पीकर सिस्टम को लेके। जिन लोगों के पास स्पीकर सिस्टम है या जो लोग इसको लेना चाह रहे हैं, एक ही इशू उनके सामने आ रहा है, यार HDMI कनेक्टिविटी नहीं है इसमें। तो आज इसी प्रॉब्लम को आज मैं एड्रेस करूंगा सबने इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा कि आप अपने स्पीकर सिस्टम Logitech Z906 को TV के साथ, सेटअप बॉक्स के साथ, DVD प्लेयर के साथ, या ब्लूरे प्लेयर के साथ, या ऐसे किसी डिवाइस के साथ कैसे लगा सकते हैं जिसमें ऑप्टिकल आउटपुट नहीं है। HDMI के थ्रू उसको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे अपने Logitech Z906 को, आज इसी बारे में आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, यस स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा कि इस डिवाइस का पूरा पोटेंशियल आप कैसे ले सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी मैक्स समझ बन सके। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो से पहले बताया, आज मैं बात करूंगा एक ऐसी डिवाइस की जो है HDMI ऑडियो एक्सट्रैक्टर कह लीजिए, या HDMI ऑडियो कन्वर्टर, ये किसी भी नाम से आपको Amazon पे मिल जाएगी। इसका प्राइस है 2499। यस, और भी दो तीन ब्रांड है जो इस डिवाइस को बना रहे हैं, और आपकी जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट है Z906 को लेके, जिसमें HDMI को ना होने की वजह से आप उसको बार बार कोसते हैं, या जो लोग अभी इसको लेना चाह रहे हैं सिर्फ इसी इशू की वजह से उन लोगों ने डिसीजन पेंडिंग किया हुआ है, तो अब उनके लिए खुशखबरी है। इस डिवाइस के थ्रू आप अपने किसी भी डिवाइस को जिसमें HDMI आउटपुट है, इस डिवाइस के थ्रू आप अपने Logitech Z906 को, इस डिवाइस को लगा के ऑप्टिकल के थ्रू किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, आज इस वीडियो में बताऊंगा। मगर एक्साइटमेंट में आप ये मत कीजिए कि इसको स्किप करके आप आगे देखें, बट इस वीडियो को पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए कि किस तरीके से इसका पूरा पोटेंशियल आप ले सकते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं जो स्किप करके वीडियो देखते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज ऐसा मत कीजिए, बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में। तो आज इस डिवाइस को लगा के आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने TV में जिसमें ऑप्टिकल आउटपुट नहीं है, या DVD प्लेयर, या ब्लूरे प्लेयर, या सेटअप बॉक्स जिसमें ऑप्टिकल आउटपुट नहीं है, सिर्फ HDMI आउटपुट है, इस डिवाइस को लगा के आप अपने Logitech Z906 को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, आज मैं इसी के बारे में वीडियो बना रहा हूं। भाई इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो सिर्फ आपका जो भी ओरिजिनल सिग्नल जो HDMI के थ्रू पास हो रहा है, ये उसको ऑडियो और वीडियो को सिर्फ सेपरेट कर देता है, यानी कि ऑडियो को ये आपको ऑप्टिकल या कोएक्सियल के थ्रू डिजिटल सिग्नल पास करता है, और वीडियो का जो सिग्नल है वो HDMI के थ्रू आपके TV में है, या किसी भी और जो आपका सोर्स है प्रोजेक्टर या उसमें चला जाता है। तो इस डिवाइस के थ्रू सिर्फ आपका जो ओरिजिनल जो आपका पीछे से सिग्नल आएगा, या पीछे से जो भी सिग्नल पास थ्रू होगा किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो 720 हो, चाहे वो 1080p हो, चाहे वो फुल HD हो, चाहे वो 4K हो, वीडियो पूरा वैसा की वैसा ही आगे ट्रांसफर करेगा। ऑडियो चाहे आपका चाहे जो भी हो, ये आपको बेसिक 5.1 देगा, यानी कि डॉल्बी डिजिटल देगा और DTS देगा। अगर आप सोच रहे हैं इस डिवाइस को लगा के मुझे डॉल्बी 2 HD सुनने को मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं इसको लगा के DTS HD मास्टर ऑडियो मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, या एटमॉस मिलेगा, सॉरी वो चीज़ नहीं मिलेगी। ये सिर्फ एक कन्वर्टर है जो ऑडियो वीडियो को अलग कर देता है, यानी कि ऑडियो आप अलग ले सकते हैं और वीडियो जो है अलग ले सकते हैं। तो पूरा आज मैं इसको अनबॉक्स करके आपको बताऊंगा इसका पूरा पोटेंशियल किस तरीके से ले सकते हैं, इसका इनपुट्स और आउटपुट्स क्या क्या हैं, किस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे, किस तरीके की डिवाइस है और कहाँ कैसे लगेगी, इसके बारे में सारा मैं बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए इस YouTube चैनल पे, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा प्लीज। तो चलिए शुरू करते हैं, तो करते हैं इसको अनबॉक्स। ये है इसकी रिटेल पैकेजिंग, ये है Amazon बेसिक की तरफ से जिसको मैंने मंगाया है, बाकी जो स्पेसिफिकेशन इस डिवाइस की आपको यहाँ मिल जाएगी, यहाँ लिखा हुआ सारा। तो इसकी जो कॉस्ट है वो है 2499। यस, इसकी जो कॉस्ट है वो 2499 है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं डिवाइस कैसी है और क्या क्या एसेसरीज के साथ है। और तो जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके का इसमें आपको मिलेगा ये डिवाइस जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, ये डिवाइस है। और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। एक आपको मिलेगी एक केबल जो है USB 2.02 DC अडेप्टर में जो लगती है केबल आपकी, वो एक केबल है USB। एक यूज़र मैनुअल है, सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दी हुई है किस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं Logitech Z906 के साथ या किसी भी HDMI डिवाइस के साथ, इस तरीके का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और इसमें कुछ नहीं है। तो ये तीन चीज़ें आपको मिलेगी बॉक्स के अंदर।
तो ये है डिवाइस, इसका एक फिजिकल ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। वैसे तो पूरी मेटल बॉडी में है ये पूरी डिवाइस और ब्लैक पाउडर कोटेड है। बिल्ड क्वालिटी कहूँ तो 100 out of 100 है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। केबल देखें भाई साहब, इसमें अडेप्टर तो दिया ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों ये ऐसा लोग ये करते हैं कि पावर, जब पता ये डिवाइस डीसी ऑपरेटेड है और इसमें डीसी पावर रिक्वायरमेंट है, तो इसके अंदर ये लोग अडेप्टर पता नहीं क्यों नहीं देते, केबल दे देते हैं और अडेप्टर गायब रहता है। ऐसा मैंने बहुत सारी डिवाइसेस के साथ देखा है कि स्पीकर्स मिल जाता है आपको चार्जिंग के लिए, आपको अडेप्टर नहीं मिलेगा या केबल नहीं मिलेगी। ये लोग सोचते हैं कि पहले स्पीकर बंदे ने लिया तो अलग से जाके आपका डीसी अडेप्टर बंदा लेगा 5 वोल्ट का चार्ज करने के लिए या उसको पावर ऑन करने के लिए, तो ये बड़ा एक रिडिकुलस है। खैर, इसमें तो मैं इसको पावर 5 वोल्ट का अडेप्टर लगे पावर सोर्स दे देता हूँ, बट इससे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या इनपुट्स आउटपुट्स हैं। ऊपर देखेंगे आप अमेजोन बेसिक की ब्रांडिंग है, HDMI 2 चैनल या 5.1 चैनल ऑडियो एक्सट्रैक्टर ये दिया हुआ है, सपोर्ट 4K 2K, तो यानी कि अगर इसमें आप 2K सिग्नल या 4K सिग्नल या फुल HD सिग्नल पास थ्रू करेंगे तो वैसे ही आपको जो आउटपुट मिलेगी वीडियो की स्पेसिफिकली वो 4K ही मिलेगी, 2K मिलेगी या फुल HD मिलेगी। अगर 4K इस पर आप पास थ्रू करें तो 4K मिलेगी, अगर 2K पास थ्रू कर रहे हैं तो 2K मिलेगी, और अगर फुल HD पास थ्रू करें तो फुल HD मिलेगी, क्योंकि वीडियो में कोई इसमें ऑल्टर नहीं करता उसके सिग्नल को, एज इट इज़ आगे फॉरवर्ड कर देता है आपके टीवी के लिए। तो बाकी रहा इसमें ऑडियो का, जो मैं आपको बता रहा था HDMI के थ्रू जब भी आप पास थ्रू करेंगे सिग्नल तो जो ऑडियो है वो सेपरेट हो जाएगा, जो भी उसमें सिग्नल होगा डॉल्बी डिजिटल या DTS 5.1 वो आपको मिलेगा ऑप्टिकल के थ्रू। तो आपको मैं बताता हूँ किस तरीके के इसमें इनपुट्स आउटपुट्स हैं। तो इस साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले पावर की LED दी हुई है, यहाँ पे 5 वोल्ट का DC अडैप्टर आपको अलग से सोर्स करना पड़ेगा इसके साथ लगाने के लिए, केबल तो दी हुई है बट आपको USB DC जो 5 वोल्ट का आपका अडैप्टर है वो आपको सोर्स करके इसके साथ लगाना पड़ेगा, या तो आपका मोबाइल का जो चार्जिंग आपका जो अडैप्टर होगा वो भी इसमें काम कर जाएगा। तो ये है इसकी पावर LED, ये आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पे DC आपको 5 वोल्ट देनी है, उसका सॉकेट यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं HDMI इन, यह आपका सोर्स जो है जिससे आपको 5.1 सिग्नल लेना है वो सोर्स यहाँ लगेगा, यानी कि ये HDMI इन जो है आपकी HDMI यहाँ लगेगी टीवी में से, अगर आप इसको कनेक्ट कर दो टीवी की जो केबल ARC के थ्रू आएगी वो यहाँ लगेगी, या फायर स्टिक के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ फायर स्टिक लग जाएगा, या DVD और ब्लू-रे प्लेयर के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हो तो उसकी HDMI केबल यहाँ आके इस पर कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया और एक LED दी हुई है, तो बाय डिफॉल्ट जब भी इसको ऑन करेंगे तो वैसे तो 5.1 आपका आउटपुट ही देगा, इसको अगर प्रेस करेंगे तो आपका ये 2.1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है इस बटन का ये यही है, 5.1 या 2.1 में इसको कन्वर्ट करना। दूसरी साइड आप देखेंगे ये है HDMI आउट, ये है HDMI आउट, जब भी आप इसमें अगर कोई भी ब्लूरे या फायर स्टिक से या DVD प्लेयर से या TV ARC के थ्रू या और भी किसी केबल सेटअप बॉक्स के थ्रू आप लगाते हैं तो वीडियो चला जाएगा यहाँ से HDMI केबल के थ्रू आपके TV में आपके या प्रोजेक्टर में। ये है आप आगे आपका ऑप्टिकल आउटपुट और ये आपकी कोएक्सियल आउटपुट। इसमें आपका ऑप्टिकल जैसे मैंने बताया था, आपकी जो लॉजिटेक में जो इनपुट है ऑप्टिकल की, एक एंड वहाँ पे लगाइए आप टॉसलिंग केबल का और दूसरा एंड आपका लगेगा यहाँ पे, या अगर आपका टॉसलिंग अगर नहीं लगाना तो कोएक्सियल भी आउटपुट दी हुई है, दोनों डिजिटल आउटपुट है, दोनों में से कोई भी चलेगी, बट आई वुड रिकमेंड कि आप ऑप्टिकल ही इसमें कनेक्ट करें अपने लॉजिटेक के साथ, क्योंकि ये लेस इंटरफेरेंस रहता है इसके सिग्नल में, लॉसलेस सिग्नल आपका जाता है, कोएक्सियल में थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस रहता है सिग्नल का। ये आप साइड में आप जो देख रहे हैं 3.5 mm का जो जैक देख रहे हैं ये आपकी स्टीरियो आउटपुट है, अगर आपको स्टीरियो कनेक्ट करना है इसके साथ कोई भी, अगर दूसरा एम्पलीफायर स्टीरियो एम्पलीफायर आपको लगाना है या आपके टीवी की साउंड बढ़ानी है तो टीवी में आपके हेडफोन जैक नहीं है या प्री आउट नहीं है तो वो भी HDMI के थ्रू आप स्टीरियो यहाँ से आपका साउंड बार अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं इस 3.5 mm के थ्रू। तो ये है इसका एक बेसिक ओवरव्यू इस डिवाइस का, एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफ़ी बड़ी होगी बट कॉम्पैक्ट है जो कि एक अच्छी बात है, ये आपका कहीं भी टीवी के पीछे हाइड हो जाएगी कहीं भी और आपको ये नज़र नहीं आएगी तो आप इजीली इसको छुपा के आप इसको डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप इसको अपने सेटअप बॉक्स के साथ यूज़ कर रहे हैं या DVD ब्लूरे प्लेयर के साथ यूज़ कर रहे हैं या फायर स्टिक के साथ यूज़ कर रहे हैं, अभी मैं टीवी के साथ नहीं बता रहा हूँ, टीवी HDMI ARC के थ्रू नहीं बता रहा हूँ, अभी सेटअप बॉक्स के थ्रू ब्लूरे प्लेयर के थ्रू या आपका सेटअप या आपका फायर स्टिक के थ्रू अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या क्या और 2-3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, कौन सी 2-3 एसेसरीज आपको और चाहिए होगी वो आपको बता देता हूँ। एक तो चाहिए होगी आपको अच्छी लेंथ की ऑप्टिकल केबल, तो इस तरीके की एक अच्छी क्वालिटी की आप ऑप्टिकल केबल ले लीजिए अच्छी लेंथ में सो दैट की लेंथ शॉर्ट ना पड़े। एक चाहिए होगी आपको अच्छी क्वालिटी की एक HDMI केबल,
सो दैट कि यहाँ से आपका कनेक्शन एकदम टीवी में जाके कनेक्ट हो जाए। और आपको चाहिए होगा एक लास्ट पर नॉट द लीस्ट एक पावर अडेप्टर 5 वोल्ट का, 1.5 एम्पियर भी चलेगा, 2 एम्पियर भी चलेगा, 1 एम्पियर भी चलेगा। अगर आपका मोबाइल चार्जर 5 वोल्ट का आपके पास है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके का। तो किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है मैं आपको एक बार यहीं पर बता देता हूँ, फिर आपको मैं डेमो दे दूँगा टीवी के साथ 5 स्टिक लगा के और HDMI ARC के थ्रू और DVD Blu-ray प्लेयर के थ्रू जितना पॉसिबल होता है उसको आपको डेमो देके मैं दिखा देता हूँ। तो ये मैंने आपको अडेप्टर लगा के दिखा दिया, आपका मोबाइल अडेप्टर होगा 5 वोल्ट का, वो चल जाएगा, ये लग जाएगा आपका। इस तरीके की ऑप्टिकल केबल जब आप लेंगे, ये प्लग निकाल देता हूँ मैं, सेफ्टी के लिए लगा रहता है। तो ये एंड यहाँ लग गया, दूसरा एंड जो है आपका ये वाला, ये जाएगा आपका लॉजिटेक के बैक साइड में जो सबवूफर है जहाँ पे ऑप्टिकल या टॉसलिंग इनपुट दे रखी है, ये वहाँ लग जाएगा। इसके साथ ही HDMI केबल आपकी लग जाएगी ऐसे, HDMI केबल जो देख रहे हैं HDMI केबल आउट में लग जाएगी और ये चली जाएगी आपके, दूसरा एंड चला जाएगा आपके टीवी में। तो वीडियो अलग हो गया, ऑडियो अलग हो गया और यहाँ पे आपका लगेगा जैसा कि मैंने बताया आपको HDMI ARC के थ्रू 5 स्टिक आप डायरेक्ट यहाँ लगा सकते हैं। ब्लूरे या DVD प्लेयर में अगर ऑप्टिकल आउटपुट आपके नहीं है, HDMI के थ्रू आप डॉल्बी डिजिटल सिग्नल या HDMI इन में लगा के जो वहाँ की HDMI आउट आपके DVD प्लेयर या ब्लूरे प्लेयर के पीछे, उसको वहाँ से HDMI केबल के थ्रू आप यहाँ कनेक्ट कर दें। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप पावर ऑन करेंगे तो ये जो LED है ये रेड फ्लैश होनी शुरू हो जाएगी, ये जलने लगेगी ताकि आपको पता चल जाएगा कि इसमें पावर आ गई है। और जब आप HDMI कोई भी यहाँ पे इनपुट करेंगे, कोई भी कनेक्शन या तो फायर स्टिक, DVD प्लेयर, ब्लूरे प्लेयर या HDMI ARC, तब ये ब्लू LED में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें सिग्नल आ रहा है, ये आपको यहाँ सिग्निफाई करेगा कि आपका सिग्नल इस तक आ गया, अब आपका ये रेडी है वीडियो और ऑडियो अलग अलग सेपरेट करके आपको सिग्नल आगे प्रोसेस करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे यार इतना सब कुछ तामझाम मैं करूँगा, ये डिवाइस भी लूँगा, ठीक है, ये HDMI केबल भी लूँगा अलग से, एक ऑप्टिकल केबल भी लूँगा, अडेप्टर भी लूँगा, मैंने 20-22 हज़ार का एक स्पीकर सिस्टम खरीद लिया, उसके बाद 2500 रुपये की ये ले ली, केबल मिला के तो मेरा कुल मिला के तो 26 हज़ार का आसपास तो लॉजिटेक का सिस्टम ही पड़ जाएगा। आप में से कुछ दोस्त इस बात को जरूर आगे रेस करेंगे, यार ये इतना सब कुछ तामझाम करने के बजाय मैं सोनी IV 300 ले लूँ या यामा 8040 ले लूँ। बट अपने अपने टेस्ट की बात है, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है कि मुझे अगर लॉजिटेक पसंद है तो मैं लॉजिटेक ही लूँगा, या मेरे जो दोस्त अभी लॉजिटेक यूज़ कर रहे हैं और जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके लिए तो ये आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने टीवी के साथ अब जो भी है HDMI ARC के थ्रू आप 5.0 सिग्नल को प्रोसेस कर सकते हैं। तो वही वाली बात है, अगर मेरे को मर्सिडीज पसंद है तो मर्सिडीज लूँगा, मैं BMW पे नहीं जाऊँगा। सेम गोस फॉर लॉजिटेक, अगर मुझे लॉजिटेक की साउंड पसंद है, लॉजिटेक का बेस पसंद है या लॉजिटेक पूरा एज इन होल मुझे स्पीकर सिस्टम पसंद है तो मैं यामा 1840 या सोनी IV 300 पे नहीं जाऊँगा, मैं लॉजिटेक ही लूँगा। और कई दोस्त मेरे ऐसे हैं जो अभी भी लॉजिटेक लेने की सोच रहे हैं बट इसी कन्फ्यूजन में रह रहे हैं कि इसमें HDMI इनपुट तो है नहीं तो मैं क्या करूँ, या तो उन्होंने कुछ लिए अभी अपना डिसीजन पेंडिंग कर रखा है या वो किसी और ब्रांड पर शिफ्ट हो गए हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है इस चीज़ का कि अगर आपको HDMI के थ्रू भी आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आपका लॉजिटेक अब आप HDMI के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया बेसिक कनेक्शन जैसा आपको करना है। तो अगर आपको दोबारा समझना है तो प्लीज़ थोड़ा पीछे बैक करके वीडियो को आप इजीली कनेक्शन देख सकते हैं किस तरीके से करना है। तो आ गए हम अपने टीवी की तरफ और इसमें मैं आपको एक डेमो देता हूँ छोटा सा फायर स्टिक का। अगर आप अपने टीवी में फायर स्टिक लगाते थे जिसमें ऑप्टिकल कनेक्शन आउटपुट नहीं थी और 5.1 मूवीज़ आप देखते थे स्ट्रीमिंग ऐप के थ्रू, प्राइम के थ्रू या नेटफ्लिक्स के थ्रू मूवीज़ देखते थे 5.1 या 5.1 कोई भी कंटेंट देते थे, तो आपको तो स्टीरियो सुनने को मिलता था, 5.1 सुनने को नहीं मिलता था क्योंकि ऑप्टिकल कनेक्शन नहीं था इसमें। अब उसी फायर स्टिक को मैं डायरेक्टली इस डिवाइस में कनेक्ट करूँगा और इस टीवी के साथ वह लगा के और आपको 5.1 सराउंड साउंड किस तरीके से ये डिकोड करेगा और किस तरीके से इसका काम करेगा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये मेरा कन्वेंशनल टीवी है, इसके अंदर मैं फायर स्टिक लगाने वाला हूँ इस डिवाइस के अंदर और इसके थ्रू फायर स्टिक के थ्रू जो भी कंटेंट चलेगा 5.1 में मैं ऑप्टिकल के थ्रू लॉजिटेक में इसको ट्रांसफर करूँगा और HDMI का जो वीडियो सिग्नल है वो मेरे टीवी में जाएगा। तो मैं पहले फायर स्टिक इसमें लगाता हूँ, इसमें इनपुट कर दिया HDMI इन में। ये अडेप्टर है जैसा मैंने आपको बताया था, ये अडेप्टर की केबल मैंने ये लगा दिया, अब ये पावर ऑन हो गया। मैंने 5 वोल्ट का DC अडेप्टर लगा रखा है 2 एम्पियर का, आप भी कोशिश करिए कि 2 एम्पियर का ही अडेप्टर लगाएं। दूसरी तरफ अब करते हैं कनेक्शन, ये मैंने डायरेक्ट टीवी में लगा रखी है HDMI केबल, अब इसको भी यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। HDMI केबल कनेक्ट हो गया, टीवी में सिग्नल चला गया वीडियो का, और ये है ऑप्टिकल केबल जैसा मैंने बताया था, अब इसको भी यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। सारे कनेक्शन हमने कर लिए और जैसे कि मैंने आपको बताया था जब भी आप HDMI इन सोर्स में जब इन करेंगे इसमें तो ये ब्लू LED जल जाएगी, दैट मीन्स में ऑडियो वीडियो सिग्नल HDMI के थ्रू इसमें जा रहा है। तो
अब हम इसमें फायर पॉइंट में कंटेंट चलाते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो लोग अभी फायर स्टिक को लगा के लॉजिटेक के साथ यूज करना चाहते हैं उनको एक प्रॉब्लम आ सकती है। वो क्या हो सकती है मैं आपको दिखा देता हूँ। फायर स्टिक के जो रिमोट पे ये जो थ्री लाइंस का जो आप इसमें टैब है या बटन है, यहाँ पे जो ऑडियो या सबटाइटल्स का जो ऑप्शन आप देखने के लिए प्रेस करते हैं, अब मैं आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं ऑडियो पे जाऊँगा। ऑडियो पे जाने के बाद अब आप देख रहे हैं लैंग्वेज में हिंदी है, यहाँ पे डॉल्बी डिजिटल प्लस है, तो मैं डॉल्बी डिजिटल प्लस को सिग्नल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टीरियो भी दिया हुआ है और डॉल्बी डिजिटल प्लस भी दिया हुआ है, डॉल्बी डिजिटल प्लस सिलेक्ट कर लेता हूँ, रिज्यूम करता हूँ। बट अगेन आप देख रहे होंगे अभी मेरे कंट्रोल पॉड में जो डिकोड की लाइट है वो नहीं चली है, यानी कि अभी नहीं फ्लैश हो रही है। उसका एक रीज़न है, मैं आपको बता दूँ, बहुत छोटा सा इशू है जो आपको पहले सॉल्व करना है। इसको पॉज करते हैं, होम पे आते हैं, सेटिंग्स में चलते हैं। जो लोग फायर स्टिक यूज़ करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए मैं आपको बता रहा हूँ और फायर स्टिक में क्या सेटिंग करनी है इस डिवाइस को लगाने के लिए। आप आइए डिस्प्ले एंड साउंड में, सेटिंग्स के अंदर ऑडियो में आइए, ऑडियो में आने के बाद आइए सराउंड साउंड में, सराउंड साउंड में आने के बाद आप देखेंगे स्टीरियो, ऑलवेज डॉल्बी डिजिटल प्लस, ऑलवेज डॉल्बी डिजिटल। तो अभी सिलेक्टेड है ऑलवेज डिजिटल प्लस। तो मैं एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर दूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो डिवाइस है या अपना जो लॉजिटेक जो Z906 है वो बेसिक डॉल्बी डिजिटल और बेसिक DTS 5.1 सराउंड साउंड का सिग्नल ही सपोर्ट करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता है। डॉल्बी डिजिटल प्लस सपोर्ट नहीं करता, डॉल्बी डिजिटल 2HD सपोर्ट नहीं करता, DTS HD मास्टर ऑडियो भी सपोर्ट नहीं करता, एटमोस तो दूर की बात है। तो बेसिक 5.1 सुनने के लिए आपको करना है क्या है कि डॉल्बी डिजिटल प्लस से हटा के आपको करना डॉल्बी डिजिटल। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके करते हैं। अब आप देखेंगे डिकोड कंट्रोल पॉड पे जो डिकोड की लाइट थी अब वो जलने लगी है, दैट मीन्स अब इसमें जो सिग्नल है वो अब आने लगा है डॉल्बी डिजिटल या DTS का 5.1 सराउंड साउंड का। तो अब चलते हैं होम पे, वापस मूवी प्ले करके देखते हैं और एक बार देखते हैं किस तरीके से सिग्नल प्रोसेस कर रहा है 5.1 को। रिज्यूम करते हैं तो ये देखिए, तो पूरा 5.1 का इफेक्ट आ रहा है। हालांकि अभी वीडियो में इतना नहीं पता चल पा रहा होगा, बट जो पांचों स्पीकर मैंने जो प्लेस किए हुए हैं सेपरेशन बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बिल्कुल 5.1 सराउंड साउंड आ रही है, बिल्कुल प्योर एकदम 5.1 सराउंड साउंड को ये प्रोसेस कर रहा है। तो चलिए चलते हैं दूसरे टीवी की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि HDMI ARC यानी कि जिन लोगों के टीवी में सिर्फ HDMI ARC का ऑप्शन है और ऑप्टिकल आउटपुट नहीं है, यानी कि HDMI ऑडियो रिटर्न चैनल अवेलेबल है, उसके थ्रू इस डिवाइस को कैसे कनेक्ट करेंगे और उससे 5.1 सराउंड कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा ये डिवाइस और अपना लॉजिटेक Z906 है जो 5.1 सराउंड साउंड को या डॉल्बी डिजिटल सिग्नल को ARC के थ्रू या DTS सिग्नल को ARC के थ्रू किस तरीके से प्रोसेस करता है वो देखते हैं। तो यस, लॉजिटेक Z906 के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो सही बटन पर क्लिक कीजिए, वो वीडियो जरूर देख लीजिए। और जो मेरे दोस्त अभी लॉजिटेक Z906 लेने की सोच रहे हैं और जो मेरे दोस्त अभी स्पीकर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, अभी भी आपने ये वीडियो अगर नहीं देखा है तो यानी कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया इस वीडियो में, तो इस वीडियो को जरूर देखिए जिसमें मैंने डिटेल अनबॉक्सिंग की है, डिटेल साउंड टेस्ट किया है, डिटेल सराउंड साउंड टेस्ट किया है बड़ी प्रोजेक्शन स्क्रीन पे, आपको देख के काफ़ी मजा आएगा। दूसरा चीज़ इसकी पोटेंशियल और किस तरीके से ले सकते हैं स्पीकर सिस्टम की और इसको किस तरीके से कन्वर्ट करके इसका और फायदा उठा सकते हैं, उस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ बताया, आपको जरूर हेल्प मिलेगी इस वीडियो को देख के, आप जरूर एंड तक देखिएगा उस वीडियो को। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस डिवाइस के बारे में। सारे कनेक्शन में कर लिए, कंट्रोल पॉड रखा है, स्पीकर लगा दिया मैंने, नीचे सबवूफर रखा हुआ है, उसके साथ ऑप्टिकल केबल कनेक्टेड है मेरी। एक लुक मैं आपको दिखा देता हूँ अभी सबवूफर की भी, और तो ये सबवूफर का एक लुक आप देख रहे हैं और जैसे कनेक्शन मैंने आपको बताया था अभी कि डिवाइस के साथ किस तरीके से कौन सी केबल कैसे लगानी है कहाँ लगानी है, तो ये ऑप्टिकल केबल सीधे डायरेक्ट उस डिवाइस से आ रही है जो मैंने जो इसका टॉसलिंग कनेक्शन है, जो टॉसलिंग इनपुट है यानी कि नंबर 3 इसमें मैंने इनपुट कर दिया है ये टॉसलिंग केबल। ये कंट्रोल पॉड का आपका केबल है, दूसरे मैंने एक स्पीकर इसके नीचे लगा दिया है, अभी फिलहाल मैंने एक ही स्पीकर के साथ लगाया। तो मैं आपको एक लुक दिखा देता हूँ जो मैंने कनेक्शन किए हैं। ये जो केबल देख रहे हैं HDMI इन जो है, ये मैंने केबल अभी मेरी ये जो है ब्लूरे प्लेयर से आ रही है, तो ऐसे ही आप अपने सेटअप बॉक्स के साथ या अपने ब्लूरे प्लेयर के साथ किसी भी डिवाइस को HDMI केबल के थ्रू लगा सकते हैं अगर जिसमें आपके ऑप्टिकल आउटपुट नहीं है। तो अडेप्टर लगा दिया, अडेप्टर ऑन हो गया, LED बता रही है। HDMI इन जो थी मैंने अपना सैमसंग का ब्लूरे प्लेयर का अटैच किया हुआ। ये जो आप LED देख रहे हैं सिग्नल की, HDMI सिग्नल की जो ऑडियो वीडियो की, जब ऑन होता तब ये ऑडियो ये लाइट जल जाती है LED। इस तरफ आप देखेंगे ये केबल जो HDMI केबल मेरे अभी टीवी की तरफ जा रही है, ये ऑप्टिकल केबल मेरे सबवूफर में लगा रखी है जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था, और ये कोएक्सियल अभी खाली है क्योंकि इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया। तो अभी ये HDMI और आउट और ऑप्टिकल जो है दोनों मेरे कनेक्टेड हैं। अभी मेरा ब्लूरे प्लेयर ऑन नहीं है और ये आप देख रहे हैं अभी ये रेड जल रही है, तो जैसे मैं ब्लूरे प्लेयर ऑन करूँगा तो ये ब्लू जलने लगेगी, दैट मीन्स अब इसमें आपका HDMI सिग्नल जा रहा है। देखिए अभी ये LED ब्लू हो गई,
मैं इसमें डिस्क डाल रहा हूँ, ये अवतार मूवी की डिस्क है, इसमें डॉल्बी डिजिटल ट्रैक और डीटीएस ट्रैक दोनों है, सो दैट कि हम दोनों ही ट्रैक चला के देखेंगे और पता करेंगे कि दोनों के दोनों ये ठीक तरह से प्रोसेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपना लॉजिटेक भी और ये डिवाइस भी। डिस्क प्ले करके देखते हैं एक बार, अब आपको इस सब लेके चलता हूँ अपने जो कंट्रोल पॉड है। अभी जो डिकोडर की लाइट है वो अभी ऑफ है, तो मूवी एक बार प्ले करते हैं। तो जो हमारी ब्लू रे है वो प्ले होनी शुरू हो गई है और आप देखते हैं कि इसमें डॉल्बी डिजिटल सिग्नल आता है। देखिए अभी और डिकोडर की लाइट भी जल गई है और यहाँ पे पांचों के पांचों स्पीकर एक्टिव हो गए हैं, यानी कि दैट मीन्स अब इस पर डीटीएस सिग्नल या डॉल्बी डिजिटल सिग्नल आना शुरू हो गया, अब उसको ये प्रोसेस कर रहा है। तो अभी जो है ये डीटीएस सिग्नल को प्रोसेस कर रहा है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डॉल्बी डिजिटल सिग्नल को कैसे प्रोसेस करेगा। मैं आपको लेके चलता हूँ टीवी की तरफ, क्योंकि इस डिस्क में दो ट्रैक हैं, डीटीएस ट्रैक भी है और डॉल्बी डिजिटल ट्रैक भी है। तो ट्रैक एक बार चेंज करते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अपने टीवी की तरफ। मैं डिस्क के मेन्यू में जा रहा हूँ, आप देखेंगे मैं डिस्क के मेन्यू में आ गया। मैं ऑडियो में जाता हूँ, सेटअप में चलते हैं, सेटअप में जाके उसके बाद ऑडियो लेते हैं। ऑडियो में आप देख रहे हैं अभी 5.1 DTS HD जो है वो अभी एक्टिव है, यानी कि जो DTS ट्रैक है वो एक्टिव है। और अब जो है मैं इसको डॉल्बी डिजिटल में या जो डॉल्बी सराउंड है उसके उस ट्रैक को मैं प्ले करता हूँ। नेक्स्ट ट्रैक सेलेक्ट करते हैं, यह इंग्लिश डॉल्बी सराउंड आ गया, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, अब मैं आपको फिर दोबारा अपने कंट्रोल पॉड की तरफ लेके चलता हूँ। ये देखिए अभी भी डिकोड की लाइट देखिए अब जल रही है, यानी कि डॉल्बी डिजिटल सिग्नल भी ये अच्छे से प्रोसेस कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि ये डिवाइस अच्छे से काम कर रही है, डीटीएस ट्रैक को और डॉल्बी डिजिटल ट्रैक को अच्छे से हैंडल कर पा रही है। तो ये हो गया डेमो ब्लू रे प्लेयर का, आपको वो मैंने फायर स्टिक के साथ भी इसको लगा के दिखा दिया, मैंने आपको ब्लू रे प्लेयर के साथ भी लगा के दिखा दिया। अब HDMI ARC जो है मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से टीवी से जो 5.1 सिग्नल आएगा इस डिवाइस में वो आपके लॉजिटेक में किस तरीके से जाएगा और किस तरीके से इसको प्रोसेस करेगा। एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं, एक बार उसका भी डेमो लेके देखते हैं और उसके बाद फाइनल कंक्लूड करते हैं वीडियो को। तो किसी रीजन से मैं आपको दूसरी टीवी पर HDMI ARC का डेमो नहीं दे पाऊंगा, तो सेम टीवी पर मैं आपको HDMI ARC का डेमो देने वाला हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था फायर स्टिक जो मैंने आपको इस डिवाइस पर डायरेक्ट लगा के दिखाई थी, अब मैं क्या करूंगा, जो फायर स्टिक है मैं डायरेक्ट लगाऊंगा HDMI पोर्ट नंबर 2 जो है उसके ऊपर, और HDMI जो 1 पोर्ट है ARC का उससे केबल राउट करूंगा मैं अपने इस डिवाइस में, और जो 5.1 सिग्नल वो जो डिवाइस राउट करेगी आपका Z906 को। तो सारे पहले कनेक्शन कर लेते हैं, किस तरीके से कौन सी केबल कहाँ लगेगी वो करके एक बार फिर दोबारा वापस टीवी पर आते हैं। तो ये टीवी का मेरा बैक साइड है HDMI ARC के थ्रू, अब मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। तो अभी देख रहे हैं मैंने ये जो केबल है HDMI की ARC पोर्ट पे लगा दी है। HDMI के ऐसे 4 पोर्ट हैं जो आप देख रहे हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4 4 पोर्ट हैं, और चौथे पोर्ट जो है मेरा ARC का है जो आप देख पा रहे होंगे, इस पर मैंने अपनी HDMI केबल लगा दिया। अब इसके थ्रू जो 5.1 सिग्नल होगा ARC के थ्रू वो जाएगा इस डिवाइस में, और डिवाइस से होता हुआ जाएगा आपके Logitech Z906 पे। तो HDMI ARC के थ्रू अब मैं सारा कनेक्शन करूंगा और उससे मैं आपको 5.1 चला के दिखाऊंगा इसके अंदर। तो ये फायर स्टिक हम रिमूव कर देते हैं और जो डायरेक्ट ARC केबल जो अभी मैंने लगाई है HDMI ARC जो टीवी में, ये इस केबल को अब जो पहले आउटपुट में लगी थी अब लगा देंगे हम इसको इनपुट में। तो सारे कनेक्शन निकाल लेते हैं, ऑप्टिकल लगे रहने देते हैं। अब ये जो HDMI इन है, आप देख रहे हैं जो HDMI इन है, इसमें मैं जो ARC से जो केबल आ रही है वो मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कभी भी जब ARC से आप कनेक्ट करेंगे HDMI के थ्रू या DVD प्लेयर के थ्रू, HDMI में भी 5 वोल्ट का करंट रहता है जिससे ये एक्टिवेट हो जाता है या जिससे ऑन हो जाता है ये डिवाइस, तो उससे भी कर सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसको अडेप्टर के थ्रू तो ज़रूर यूज़ कीजिए, सो दैट के करंट जो कांस्टेंट रहे, क्योंकि थोड़ा लो करंट रहता है तो आपको पूरा 5 वोल्ट का 2 एम्पियर या 1.5 एम्पियर का करंट इसमें रहना चाहिए। ARC जो आ रही थी केबल वो इन में लगा दिए, अडेप्टर मैंने ऑन कर दिया, और जो ऑप्टिकल केबल है वो मेरी लगी हुई अभी Logitech Z906 में। तो सारे कनेक्शन हमारे हो गए HDMI ARC के लिए, जैसे मैंने आपको दिखाया, आप सारे समझ गए होंगे किस तरीके से आपको अपना टीवी भी HDMI ARC के थ्रू अगर कनेक्ट करना है तो कौन कौन से कनेक्शन करने। तो अब मैं आगे अपनी टीवी की सेटिंग में, आपको भी अपनी टीवी की सेटिंग में थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगर या किस तरीके से ट्विक करना पड़ेगा, कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। मैं अपने ऑडियो सेक्शन में आता हूं। ARC देख रहे हैं आप, ये जो ARC मोड है मेरा ये ऑन है, तो इसको भी आपको आपका अगर ARC कहीं उसमें ऑप्शन दिखा रहा है तो उसको ऑन कर लीजिए। और ऑन करने के बाद अब आते हैं वापस, अब मैंने इसको ऑन कर लिया, अब वापस चलते हैं। तो जो कंटेंट मैंने अभी पहले चलाया था वही सेम कंटेंट चलाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस करता है। अभी आप देख रहे हैं स्टीरियो दिखा रहा है यहाँ पे, और जो डिकोड का सिग्नल एक्टिव हो गया यहाँ पे। अब एक सेम मूवी चलाते हैं, अब देखते हैं 5.1 सिग्नल किस तरीके से प्रोसेस करता है।
अब आप देख रहे हैं डिकोड की लाइट भी चल गई है और जो पांचों स्पीकर के जो एलईडीज हैं वो भी एक्टिव हो गई हैं, दैट मीन्स इसमें 5.1 सिग्नल आ रहा है। तो यानी कि एचडीएमआई एआरसी भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जैसे फायर स्टिक के साथ काम किया, जैसे डीवीडी प्लेयर या ब्लूरे प्लेयर के साथ उसने काम किया, तो ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो आई होप आपको अंदाजा लग गया होगा ये डिवाइस अगर आप खरीदते हैं और परचेस करते हैं अपने लॉजिटेक Z906 के लिए स्पेशली तो किस तरीके से आपको हेल्प मिलने वाली है अपने इन सब डिवाइसेस को लेके। थोड़ी बहुत जो डिसअपॉइंटमेंट थी या जो भी आपकी नाराजगी थी Z906 को लेके कि यार मेरा इसमें HDMI इनपुट नहीं है, तो आपको पूरी लिबर्टी मिल रही है, पूरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस डिवाइस को लेकर आप कनेक्ट के लिए। और किसी भी कन्वेंशनल टीवी या पुराने टीवी जिसमें ऑप्टिकल आउटपुट नहीं है या सेटअप बॉक्स में नहीं है या डीवीडी ब्लूरे प्लेयर में नहीं है, उसमें इस डिवाइस को कनेक्ट करके आप 5.1 सराउंड साउंड का मजा इजीली ले सकते हैं। और इस डिवाइस से रिलेटेड या Logitech Z906 5.1 स्पीकर सिस्टम से रिलेटेड या और किसी 5.1 स्पीकर सिस्टम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस पर भी जाकर मुझसे आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगा उसका। और चलते चलते मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन दोस्तों से चैनल पर नए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं ऐसे ऐसे वीडियोज लेकर आते रहता हूँ अनबॉक्सिंग के, हैक्स के, क्रैक्स के, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने फर्दर नोटिफिकेशन हैं नए नए वीडियोज, नए नए हैक, क्रैक्स, अनबॉक्सिंग के, वो आपके पास आए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।